नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के शहादत दिवस पर आज सामाजिक संस्था समर्पण, एक नेक पहल व स्वर्गीय अनिल मंडल ट्रस्ट के तपन मंडल पत्रकार के नेतृत्व में बरवा सुपर कांटा के पास रक्तदान शिविर का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संस्था के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष दीपेश चौहान ने कहा कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु तीनों वीर सपूतों ने बहुत कम उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिया, जो देश के प्रति उनकी सोच, समर्पण, प्रेम, त्याग व बलिदान को प्रदर्शित करता है। इसी सोच को लेकर समर्पण एक नेक पहल आगे बढ़ रही है और रक्तदान व समाज सेवा जैसे कार्य कर रही है। आज 23 मार्च है शहादत दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु ये तीनों भी युवा थे जिन्होंने बहुत अल्प आयु में अपना बलिदान देश के लिए दिया और इसी सोच को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने देश को आज़ाद करने की सोच अपने मन में छाने थी, हम लोगों को देश को आज़ाद करना है, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये निर्णय किया कि हम लोग जान भी गंवाना पड़े तो हम लोग देश को आज़ाद करने के लिए जान भी गंवाएंगे। तो हम लोग को भी जो भी आज हम लोग करते हैं, किसी भी वर्ग में, किसी भी फील्ड में है, हम लोग कम से कम 24 घंटे में से 5-10 मिनट जो भी कार्य कर रहे हैं उस दौरान 5-10 मिनट का समय निकालें अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने दबे कुचले लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग समाज को आगे कैसे लेकर के जाएं। क्योंकि अगर हमारे देश आज़ाद कराने के लिए अगर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ने अपना बलिदान दिया तो ऐसे सोच अगर हम लोग रखेंगे कि केवल अपने बारे में सोचेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। साथ ही आज हमारे अनिल मंडल ट्रस्ट के जो अनिल मंडल जी, उनका भी आज हम लोग श्रद्धांजलि देने का कार्य इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हम लोगों ने किया है। समर्पण एक नेक पहल जो कि एक युवा की संस्था है, पूरे झारखंड राज्य में कार्य कर रही है, लोगों को जीवन दान देने का कार्य कर रही है। देखिए, अनिल मंडल ट्रस्ट समर्पण नेक पहल का जो ये आयोजन किया गया है बहुत ही सराहनीय पहल है और इससे अगल बगल क्षेत्र में एक जागरूकता का SMS जाएगा और ये अच्छा SMS जाएगा कि चारों तरफ से ये समर्पण एक नेक पहल जो ब्लड इकट्ठा कर करके वो इससे गरीब गुरबों को पास पहुँचाया जाता है जिसके पास व्यवस्था नहीं होता। तो समर्पण एक नेक पहल का ये आयोजन बहुत ही सराहनीय है और हम तहे दिल से इस टीम के और सारे लोग, कमेटी के लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बराबर करें और क्षेत्र में नाम हो रहा है। सर, इस तरह का प्रोग्राम हमेशा करते रहता है, आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा? हमारे तरफ से जो सहयोग बनेगा, समर्पण नेक पहल का एक कमेटी हमसे मिले, जो सहयोग बनेगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे। वहीं स्वर्गीय अनिल मंडल ट्रस्ट के तपन मंडल पत्रकार ने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्तदान करके हम न केवल एक व्यक्ति की जान बचाते हैं बल्कि उसके पूरे परिवार को खुशियां देते हैं। इस मौके पर 15 वीरों ने रक्तदान किया। कुछ कमजोरी नहीं है, अच्छा महसूस हो रहा है, प्लस आपका ब्लड डोनेट करने से शरीर में फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं है। युवा को ब्लड डोनेट करना चाहिए ज़्यादातर युवा को। ये सोच आपकी कैसे है? ये सोच आपकी कैसे है? ये सोच हमारे घर के परिवार में जो है सदस्य है उन्हीं से मेरा सोच ये सब हुआ है। आज के कार्यक्रम में संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष दीपेश चौहान, केंद्रीय प्रवक्ता अरिजीत भट्टाचार्य, धनबाद जिला अध्यक्ष मनोज मंडल, विजया सिंह, तपेश्वर चौहान, मंजीत सिंह, श्रवण दास, राजू सिंह के अलावा स्वर्गीय अनिल मंडल ट्रस्ट के तपन मंडल पत्रकार आदि के साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एराइज न्यूज के लिए पवन मोदी की रिपोर्ट।